SC ST आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर के संसद से आज एक बड़ी खबर आई। SC ST के जो सांसद हैं BJP के, उनका एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिला और उन्होंने ज्ञापन दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें आरक्षण के अंदर आरक्षण देने की बात कही गई है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो दे सकती है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री को BJP SC ST के सांसदों का एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिला और उन्होंने उनको ज्ञापन देके इस बात की मांग की कि ऐसा कोई कदम न उठाया जाए। और इस पर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर उनको आश्वासन दिया कि सरकार ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेने जा रही है जिसमें कि आरक्षण के अंदर आरक्षण या फिर कोई क्रीमी लेयर की व्यवस्था की जाए। इसके बाद जो भोला सिंह जो सांसद हैं BJP के और उनके साथ तमाम सांसद जो एक डेलीगेशन लेकर प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, उन्होंने आके News 24 को बताया कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि यथा स्थिति बनी रहेगी, यानी कि SC ST का जो आरक्षण है उसमें कोई फिलहाल छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। प्रशांत देव, News 24, दिल्ली। शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में इसको लेकर सियासत तेज है। BJP और शिवसेना शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे पर हमला तेज कर दिया है। शिंदे गुट का कहना है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने का प्रस्ताव लेकर गए थे लेकिन कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया और शरद पवार ने बीच में ही लंगड़ी मार दी। इस बीच शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से जो बयान आया है उस पर उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत ने जवाब दिया है। संजय राउत का कहना है कि उद्धव ठाकरे कोई भी इस तरह का प्रस्ताव लेकर दिल्ली नहीं आए थे और सीट शेयरिंग पर जो फैसला होना है वो जल्दी हो जाएगा। शुरुआत में 156 सीटों पर बात होगी। ये 156 सीटें वो सीटें हैं जो महाविकास अघाड़ी 2019 में जीती थी। इसके बाद शिवसेना और NCP में टूट हुई। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी में कोई भी छोटा भाई या बड़ा भाई नहीं है और मुख्यमंत्री का चेहरा जो चुनाव में होगा वो महाविकास अघाड़ी ही होगी। कैमरा विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, News 24, मुंबई। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र में चुनावी यात्रा का दौर शुरू है। इस कड़ी में शुक्रवार के दिन शरद पवार की NCP ने भी यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा का नाम दिया गया है शिव स्वराज यात्रा। इस यात्रा की शुरुआत पुणे के जुन्नर इलाके के शिवनेरी किले से की गई जिसे शिवाजी महाराज के जन्मस्थान के तौर पर भी जाना जाता है। शरद पवार की पार्टी को जब नया चुनाव चिन्ह दिया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान तो इसी किले पर इस चुनाव चिन्ह का अनावरण किया गया था। शरद पवार इस किले को अपने लिए खूब लकी मानते हैं और जब चुनावी यात्रा की शुरुआत की बात की तो शरद पवार ने इसी किले को चुना। करीब 10 दिनों तक ये यात्रा चलेगी, फेस वाइज ये यात्रा चलेगी और पहले फेस में 10 दिनों की ये यात्रा में 7 जिले को कवर किया जाएगा। इस दौरान शरद पवार की पार्टी का कहना है कि महायुति द्वारा सरकार द्वारा काम किए गए काले कारनामों को लोगों के सामने रखेंगे। इससे पहले गुरुवार के दिन अजित पवार की पार्टी ने भी यात्रा की शुरुआत नासिक से की। अजित पवार ने अपनी यात्रा का नाम जन सम्मान यात्रा दिया है जो 31 अगस्त तक जारी रहेगी। इसके अलावा शनिवार के दिन कांग्रेस के नेता भी मराठवाड़ा और विदर्भ दौरे पर जाएंगे। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, News 24, पुणे। राहुल गांधी के गुजरात दौरे के बाद में कांग्रेस के हौसले बुलंद। मोरबी पुल कांड सहित अलग अलग हादसों में मारे गए पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए निकाली गई न्याय यात्रा, राहुल गांधी भी होंगे शामिल। गुजरात में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस ने राज्य की BJP सरकार के सामने आक्रमक रुख अपनाते हुए आज मोरबी से न्याय यात्रा की शुरुआत की है। मोरबी पुल कांड, राजकोट अग्निकांड, वडोदरा हरनीकांड, तक्षशिला अग्निकांड सहित अन्य दुर्घटनाओं में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आयोजित कांग्रेस की न्याय यात्रा 300 किलोमीटर का सफर तय कर 23 अगस्त को गांधीनगर में समाप्त होगी। इस यात्रा में तमाम हादसों में मारे गए पीड़ितों के परिवार भी शामिल हुए हैं। गुजरात कांग्रेस की अगुवाई में ये न्याय यात्रा मोरबी से राजकोट और सुरेंद्रनगर से अहमदाबाद हुए 23 जुलाई को गांधीनगर पहुंचेगी। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी भी 20 अगस्त के आसपास गुजरात कांग्रेस की न्याय यात्रा में जुड़ेंगे। यहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में BJP को क्लीन स्वीप की हैट्रिक से रोकने के बाद और राहुल गांधी के गुजरात दौरे के बाद कांग्रेस कई मुद्दों पर काफी ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में स्थानीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए जाहिर सी बात है कि कांग्रेस फिर से वही मजबूती वापस लाने के लिए प्रयासरत है। कैमरामैन प्रभात साहब, भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, News 24। मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना को लेकर श्रेय लेने के लिए अब महायुति में दोनों पार्टियां आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जन सम्मान यात्रा की शुरुआत की है।
वो जिस बस से सफर कर रहे हैं उस बस पर मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के जगह नाम दिया गया है माझी लाडली बहन योजना, यानी मेरी लाडली बहन योजना। मुख्यमंत्री शब्द से अब एनसीपी अजीत पवार गुट को परहेज होने लगा है। अजीत पवार के पास वित्त विभाग है और अजीत पवार ने इस योजना के लिए पैसे भी जारी किए हैं। वो अपने हर भाषण में इस योजना को लेकर कह रहे हैं कि अगर हमें फिर से मौका दिया जाता है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये योजना वहाँ पर शुरू रहेगी। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना को लेकर लगातार प्रचार कर रहे हैं। कल देर शाम को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार नासिक में थे, वो जनसम्मान यात्रा को छोड़कर उस बैठक में आए। बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वहां पर चर्चा की गई। इसके अलावा एक साथ प्रचार कैसे करना है, कौन से रैलियों को कब संबोधित करना है और सीट शेयरिंग को लेकर प्राथमिक रूप की वहां पर बातचीत भी हुई है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, News 24 मुंबई। मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल महाराष्ट्र के दौरे पर है और उनके दौरे का ये दूसरा चरण चल रहा है। इस दौरान आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल महायुति सरकार पर हमलावर है। अपने यात्रा के दौरान मनोज जरांगे पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस और भुजबल पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों नेता जहां जहां प्रचार करेंगे, जहां जहां सभा करेंगे, वहां उनका उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतना चाहिए। मनोज जरांगे पाटिल से जब पूछा गया कि वो सिर्फ फडणवीस और भुजबल को ही क्यों निशाने पर ले रहे हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, इस पर मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि उन्होंने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को लेकर क्या कुछ बोला है वो सोशल मीडिया पर है। रही बात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की, तो आरक्षण पर दिया गया जो समय सीमा है वो 13 अगस्त को समाप्त हो रहा है, उसके बाद वो सीएम शिंदे पर बोलेंगे। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, News 24 मुंबई। बिहार सरकार ने एक नया आदेश जारी कर दिया है। बिहार सरकार ने कहा है कि जो मठ मंदिर और ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें जल्द से जल्द रजिस्टर्ड कराने की जरूरत है और इसके लिए सरकार ने सभी जो डीएम हैं उनको निर्देश जारी किया है। बिहार सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके जिलों में संचालित मंदिर मठ और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराना जाना चाहिए। इसके अलावा उनकी अचल संपत्ति का विवरण भी राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को उपलब्ध कराना जाना चाहिए। सरकार ने राज्य के सभी जिला प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी पंजीकृत मंदिर मठ से संबंधित अचल संपत्ति का विवरण भी तुरंत धार्मिक राज्य न्यास बोर्ड के वेबसाइट पर उपलब्ध होना चाहिए। अगर इसे कोई नहीं करता है, यानी जो भी मठ और मंदिर और ट्रस्ट के जो ऑनर होते हैं वो अपना विवरण अगर नहीं देते हैं या रजिस्टर नहीं कराते हैं तो ये कानूनी रूप से अवैध माना जाएगा। बिहार में करीब 3000 से ज्यादा मठ और मंदिर हैं जो अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है। सरकार ने आदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी सभी मठ और मंदिर और उनकी जो भी संपत्ति है उसकी जानकारी जो है वो सरकारी वेबसाइट पर डाउनलोड करें। कैमरामैन इसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, News 24। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य करीबन 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है और काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, सांस लेने में उनको काफी दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद निधन हो गया। और निधन होते ही पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों में एक तरह से शोक की लहर दौड़ चुकी है और बुद्धदेव भट्टाचार्य चाहते थे कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से यहाँ पे विकास हो, डेवलपमेंट हो और बंगाल का उन्नति कैसे हो, इसको लेकर लगातार प्रयास कर रहे थे। देखिए कि हजारों के जो संख्या में पूरे पश्चिम बंगाल से लोग पहुंचे हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य को यहाँ अंतिम विदाई दे रहे हैं। CPM के नेता हो, BJP के नेता हो, यहाँ पे TMC के तमाम नेताओं का आने का सिलसिला हो चुका है और जिस तरह से बुद्धदेव भट्टाचार्य
यहाँ अलीमुद्दीन में करीबन यहाँ पे बैठते थे। और सीपीएम के जिससे 34 साल का जो सत्ता था उस समय एक अहम सीपीएम का पूरे पश्चिम बंगाल में दबदबा था, लेकिन अब आज बुद्धदेव भट्टाचार्य सभी के बीच में नहीं है। लोगों का कहना है कि राजनीति जगत में एक बड़ी नुकसान हो चुकी है और उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य का जो पार्थिव शरीर है वो एनआरएस हॉस्पिटल को उन्होंने दान दे रखा है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, बुद्धदेव भट्टाचार्य को अंतिम विदाई दे रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ रिपोर्ट, कोलकाता। बक्सर के चौसा से लेकर कहलगांव तक लगातार गंगा नदी अपने पूरे उफान पर है। आप देख सकते हैं कि इस पर पटना के दीघा घाट पे हैं, जहां पर किस तरीके से गंगा का जो जल है वो काफ़ी बढ़ गया है। जो दियारा इलाका है वो पूरी तरीके से वहां पे डूब चुका है और जो आवागमन का साधन था वो बिल्कुल यहां पे अभी बंद हो चुका है, क्योंकि जो पीपा पुल था वो लगातार पानी के दबाव के चलते उसे हटा दिया गया। और जो किनारे की इलाका देख सकते हैं कि वहाँ पर प्रशासन ने इन्हें खाली करा दिया है और वहाँ पर जो आसपास के जो मकान हैं, जो यहाँ झोपड़ियाँ थी, वो सभी पानी में डूब चुके हैं। जो उस तरफ जो दियारा में एक बड़ी आबादी होती है, जो वहाँ काला दियारा के जो लोग वहाँ इस तरफ से जो आते थे, वहाँ पर जो है देखने में अब जो रास्ता जो बचा हुआ है वो सिर्फ नाव का सहारा है। और वहाँ भी नाव पे जो परिचालन है उस पर प्रशासन की नज़र है कि आगे कोई हादसा नहीं हो पाए। अब ये किस तरीके से यहाँ पर जो गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और खतरे के निशान से करीब 26 सेंटीमीटर वो ऊपर बढ़ रही है। और ये स्थिति न सिर्फ पटना में बल्कि बक्सर के चौसा से लेकर कहलगांव तक लगातार गंगा के जलस्तर में इजाफा हो रहा है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ऊझा, पटना। आज तक आपने बिहार में पुल गिरने की कई खबर देखी भी होगी और सुनी भी होगी, लेकिन आज हम आपको जो खबर दिखा रहे हैं और जो बता रहे हैं वह आज तक ना आपने सुनी होगी और ना ही देखी होगी। आपने कभी देखा है खेतों के बीच कोई पुल? अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। यह अररिया जिले में राजीगंज के परमानंदपुर गांव का यह पुल। यह पुल ग्रामीण कार्य विभाग के तरफ से बनाया गया है, जिसके आगे और पीछे कोई सड़क नहीं है, बस पुल बनाकर छोड़ दिया गया है। इस पुल और सड़क की लागत लगभग 3 करोड़ है। बरसों पहले यहां से नदी गुजरती थी, लेकिन अब उस नदी की दिशा बदल गई है। ऐसे में खेत में पुल बनाने का कोई मतलब नहीं था। अब यह पुल केवल देखने की वस्तु बनकर रह गई है, जिसे स्थानीय लोग देखकर माथा टेक रहे हैं और सरकार को कोस रहे हैं। मीडिया में खबर आने के बाद अररिया के डीएम ने इस पूरे मामले पर जांच का आदेश दे दिया है, साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग से जवाब तलब भी किया है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। राजस्थान में भी अब चांदीपुरा वायरस लोगों की जान लेने लगा है। ताजा मामला भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा का है, जहां पर एक बच्ची की चांदीपुरा संक्रमण के चलते मौत हो गई। दरअसल इस बच्ची की तबीयत जब बिगड़ने लगी थी तो उसे अहमदाबाद ले जाया गया, वहां पर इसे चांदीपुरा संक्रमण की पुष्टि हुई और उसके बाद तमाम कोशिशों के बाद भी उसे डॉक्टर नहीं बचा पाए। राजस्थान में चांदीपुरा से हुई मौत का यह तीसरा मामला है, जिसके बाद प्रशासन और सरकार पूरी तरह अलर्ट है। साथ ही इस बात का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि इसके लिए अभी कोई एंटीवायरल दवा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई है। ऐसे में अभिभावकों से कहा जा रहा है कि वे अपने बच्चों की सेहत को लेकर खास तौर पर ध्यान दें, सजग रहें। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से भीलवाड़ा में हुई बच्ची की मौत के बाद अब उस पूरे गांव और आसपास के इलाकों में जांच का काम करवाने का भी एक तरह से प्रयास तेज हो गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितने और बच्चों को इस तरह के संक्रमण ने अपनी चपेट में लिया है। श्री वत्सन, जयपुर, न्यूज 24। आम लोगों को तो ठगी का शिकार होने की घटनाएं तो आपने सुनी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश में अब ठगों के निशाने पर हैं कलेक्टर। बीते 2 दिन में मध्य प्रदेश के 6 कलेक्टरों के साथ ठगी की कोशिश की गई है। साइबर ठगों ने अलग अलग तरीके से जो व्हाट्सएप नंबर होता है उस पर कलेक्टरों की डीपी लगाकर रिश्तेदारों से पैसे मांगे गए। इतना ही नहीं, कुछ रिश्तेदार तो ऐसे थे, खासतौर पर जबलपुर में एक रिश्तेदार ने 25,000 रुपये ट्रांसफर भी कर दिए उस साइबर ठग के खाते में। ये ठगी की गई है मध्य प्रदेश के जबलपुर, सिवनी, उमरिया, शहडोल, शिवपुरी और धार, ये जिले हैं जहां के कलेक्टर हैं। इन कलेक्टरों के डीपी का प्रोफाइल बदलकर इस तरह की ठगी की गई है और अलग अलग नंबरों पर इस तरह के काम किए गए हैं, जिसमें जबलपुर कलेक्टर की बात की जाए तो जबलपुर कलेक्टर के नाम गुजरात में बब्बर शेरों के अब होंगे नए ठिकाने। सौराष्ट्र के नए 9 शहरों में शेरों को बताया जाएगा। परिमल लखवानी ने अपनी बुक
कॉलिंग गिर लायन के लॉन्च में बताया। गुजरात में बब्बर शेरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जंगल छोटे पड़ रहे हैं। यही वजह है कि आए दिन आपको रिहायशी इलाकों में सड़कों पर और शहरों में बब्बर शेर देखने को मिलते हैं। कभी आपको सड़क पार करते हुए बब्बर शेरों का झुंड नजर आएगा तो कई बार पूरे परिवार के साथ शहर पर निकले बब्बर शेर दिखाई देते हैं। परिमल लथवानी ने गिर के जंगल और बब्बर शेरों को लेकर अपने अनुभव को एक किताब में साझा किया है, जिसके विमोचन के समय उन्होंने बताया कि सरकारी आंकड़ों में भले ही बब्बर शेर 600 से 650 के आसपास हो, लेकिन अब हकीकत में उनकी संख्या 900 तक पहुंच गई है और अब गिर के अलावा भी सौराष्ट्र के कई इलाकों में बब्बर शेरों की मौजूदगी है। ऐसे में नए 9 जोन उनके लिए चिन्हित किए जा रहे हैं। साथ साथ बब्बर शेरों को देखने के लिए जिस तरह से पर्यटन बढ़ा है, उसके लिहाज से भी किस तरह की अन्य सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती है, उसे लेकर भी विचार किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने ट्रेन से कट कर शेरों की होने वाली मौत को किस तरह से रोके जाए, उस पर भी बात की। कैमरामैन प्रभात साहब, भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़।